तेरे बिन मजमेले हो गए सजना। कभी ये जादू है जिनका के रेहान, कभी शुभ शगुन के शुभ, तो कभी ये रिश्ता क्या कहलाता है के अरमान रह चुके शहजादा ने अलग अलग किरदारों से अपने दर्शकों का दिल जीता। अब भी वो दर्शकों के दिल में बसे हुए हैं और आज सास बहू और बेटिया में हम करेंगे शहजादा धामी से खास मुलाकात। वैसे क्या आपको पता है कि शहजादा एक अच्छे एक्टर होने के साथ साथ बेहद अच्छे सिंगर भी है। जी हाँ, वो बनना चाहते थे सिंगर और बन गए एक्टर, लेकिन यहाँ उन्होंने दिखाया अपना सिंगिंग टैलेंट। बावरे पिया लगे ना जिया, देखो मेरा मन जलता दिया। गल सुन ले दर्जिया वे मैनू कुड़ता स्यों दे सूहा सूहा, ओ मैनू सुपने आंदे रहिंदे आ ओदे ते मेरे नी। जद मिले ओ कुड़ी, मिले ओ कुड़ी ता कदे कहना उसनू, कदे मिले ओ कुड़ी मज मेले हो गए सजना। ओ लगे गम वी दिते हरा, मेरे चितनू कंबणी छड़ गई। हो तेनू वेख्या जदों जरा, ओ सानू सारा ही जग वेखदा। हाँ मेरे हानिया, ओ सानू सारा ही जग वेखदा। ओ तेरा किदा हथ फड़ा। वैसे आज शहजादा करवा रहे हैं अपना फोटोशूट। देखने को मिलेंगे शहजादा के अलग अलग अंदाज, जिसकी एक्सक्लूसिव झलक आपके लिए ले आया है सिर्फ सास बहू और बेटिया। तो चलिए करते हैं शहजादा से खास मुलाकात और देखते हैं इस फोटोशूट के सभी नज़ारे। भाई आपको बता दे कि इस फोटोशूट की स्टाइलिंग की है मोहित कपूर ने, फोटोशूट किया है AK फोटोग्राफी ने और मेकअप आर्टिस्ट है तानिया। तो एक एक कर देखते हैं शहजादा के ये सभी लुक्स। फोटोशूट की शुरुआत तो हुई मेकअप से। देखिए कैसे मेकअप आर्टिस्ट तानिया कर रही है शहजादा का मेकअप। हेयर स्टाइलिंग से लेकर मेकअप और लुक का खासा ध्यान दिया जा रहा है। शहजादा का पहला लुक है नियॉन कलर का ये बैगी सूट, जिसमें वो लग रहे हैं काफी हैंडसम। तो आइए शहजादा से ही जानते हैं उनके इस लुक के बारे में। देखो राज जो हमारे साथ अभिनेता हैं वो बिल्कुल नए नहीं है, उनको पहचान की जरूरत नहीं है, अच्छा खासा उन्होंने काम किया है। एंड आई एम वर्किंग विद हिम फॉर फर्स्ट टाइम एंड सच अ डिसेंट गाय एंड मुझे मज़ा आ रहा है। कुछ यूनिक हमने उनकी लुक्स क्रिएट किए हैं जैसा आप उनको जनरल लाइफ में नहीं देखते। तो कुछ हटके वैसे हेयर्स रखे हैं, वैसे हटके कुछ क्लोथ रखे हैं एंड आई एम श्योर ये फर्स्ट लुक है एंड ही इज़ एंजॉइंग। You tell me. The colors of every जो भी हम पहनने वाले हैं आउटफिट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं और माशाल्लाह हम शुरू करने वाले हैं और देखते हैं कैसा जाता है, अच्छा जाएगा, आई एम लाइकिंग इट। वी आर डूइंग अ फोटो शूट टुडे, तो मोहित की स्टाइल की गई आउटफिट्स हैं जो कि मैं भी पहली बार पहन रहा हूँ। मैंने काफ़ी लोगों को पहने हुए देखा है इनके आउटफिट्स, तो आज मैं भी पहन के देखता हूँ कैसी लगती है, अच्छी लगती है।
आउटफिट बैगी सूट है, कंप्लीट हाई फैशन, कंप्लीट हाई फैशन है जो कि मोहित ने डिज़ाइन किया है एंड आई हैव जीरो नॉलेज अबाउट इट, आई एम जस्ट वेयरिंग इट एंड जस्ट प्रेजेंटिंग हिम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। सो डिज़ाइन हैंगर्स बैंगलोर के जो हमारे डिज़ाइनर हैं उन्होंने स्पेशली कस्टमाइज किया है एंड स्टाइल मैंने किया है और मेकअप और जो हेयर किया वो ताने ने किया है। ताने आ जाइए। इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस, इज सो हम्बल एंड इज सो गुड लुकिंग, यू कैन सी ऑलरेडी, तो मुझे बहुत मेहनत करने की सच में ज़रूरत नहीं पड़ी एंड इट वाज ऑलवेज वंडरफुल वर्किंग विद मोहित बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट यू नो वेरिएशंस और क्रिएटिविटी इतनी ज़्यादा है तो मुझे भी मज़ा आता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। थैंक यू सो मच यार। आज तो हमारी शुरुआत हुई है काम की, तो फर्स्ट शूट हम कर रहे हैं बट शहजादा के साथ हम वेरी सून एक हमारे म्यूजिक एल्बम में दिखने वाले हैं, वेरी सून हम कुछ प्लान कर रहे हैं। अच्छा, आई एम श्योर आपको वो भी पसंद आएगा। फिलहाल आज शूट डे है, डे वन है हमारा इनके साथ काम का एंड आई एम श्योर आगे बहुत सारा हम उनके साथ काम करने वाले हैं एंड मज़ा आ रहा है यार। इज़ अ सच अ हम्बल गाय जैसा मैंने बोला एंड ही हैव द पर्सनैलिटी द टोन स्किन टोन की ही कैन कैरी एनी कलर, तो उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड टू एक्सप्लोर यू नो, वी कैन एक्सप्लोर अलॉट विद हिम, कोई स्ट्रेस नहीं है, इट्स अ वेरी चिल कूल वाइब वाला शूट। सी कोई फिल्म से आइडिया नहीं है, बेसिकली हमने आज का ट्रेंड फॉलो किया है, जो आज का अगर हम ट्रेंड देखते हैं जो करंट जनरेशन पहन रही है वो क्वाइट बैगी स्टॉप पहना और फुल ऑफ कलर्स पहनना पसंद करती है एंड गर्मी आ रही है, गर्मी के अंदर ऐसे कलर्स अच्छे लगते हैं और भी अच्छे लगते हैं, तो कंप्लीट हाई फैशन जोन में जा रहे हैं, थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हुए आज हमने उनको स्टाइल किया। इट्स कंप्लीटली न्यू फॉर मी बिकॉज मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में बैगी कपड़े बहुत कम पहनता हूँ, बैगी टी शर्ट्स वगैरह मैं कैरी कर लेता हूँ, बट इट्स रियली न्यू फॉर मी, रियली यूनिक, और मैं देखता हूँ मैं कैसा लगता हूँ फोटोज में इसके बाद। बस प्यार देते रहिए, जैसे आप दे रहे हैं मैं प्यार लेता रहूँगा। अब बढ़ते हैं दूसरे लुक की तरफ जो कि है ट्रांसपेरेंट इस टी शर्ट के साथ ब्लैक एंड व्हाइट कलर का ये सूट। भाई ये लुक है एकदम पार्टी वाला लुक। तो आज मेरे साथ है शहजादा धामी, बिल्कुल नए अंदाज में शहजादा, आज आपका नाम शहजादा बिल्कुल शहजादे जैसे लग रहे हो, तो क्या माजरा है इस नए लुक का? मोहित ने शहजादा नाम तो था मेरा, शहजादा मतलब है, और शहजादे जैसा एक शहजादे जैसा अच्छे अच्छे आउटफिट्स बना के मुझे शहजादा बना दिया। थैंक यू मोहित, बहुत अच्छी अच्छी आउटफिट्स हैं, हमने हाफ डन कर लिया है हमारा फोटोशूट, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। और जैसा कि मोहित कम ना मोहित तो जैसा कि मोहित नो कि मैं बस ही नहीं कर रहा हूँ, कम से कम इस आउटफिट में 40 फोटो 50 फोटोज हो चुके हैं। दैट इज मोस्ट फेवरेट, तो वो सारी 40-50 फोटोज मैं लेने वाला हूँ, देने वाला हूँ मोहित, तो आई एम लविंग इट, बहुत मज़ा आ रहा है और आई होप कंटिन्यूसली करते रहेंगे। Yeah.
अच्छे अच्छे कपड़े लाते रहेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े इनके साथ फोटोशूट करते रहेंगे। तो मोहित, क्या बात आपको शहजादे में अच्छी लगी, इनकी वर्सेटैलिटी? आपने कहा कि बहुत सारे कपड़े हर कलर्स पे इन पे सूट कर रहे हैं, तो हाउ डू यू डिस्क्राइब हिज लुक एंड पर्सनालिटी? सी, आई लव पीपल हु लव टू एक्सप्लोर एंड क्रिएटिव पीपल, एंड ही इज़ वेरी क्रिएटिव, इज वेरी डिसेंट ऑफ कोर्स, बट जैसे जैसे हम लुक्स एक्सप्लोर करना चाह रहे थे, कुछ हमने हाई फैशन एक्सप्लोर किया, ठीक है, कुछ हटके हम ट्राई करना चाह रहे थे, एंड उनकी पर्सनैलिटी बहुत फिट कर रही है एज पर आवर एक्सपेक्टेशन, एंड द शूट इज़ गोइंग सो ग्रेट, एंड ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव, वेरी डिसेंट एंड क्लासी, फन शूटिंग विद हिम। आपने कौन कौन से डिज़ाइनर्स के कपड़े इन्हें पहनाए? मैंने सुना आपने काफ़ी सारे दूर देश जगह से डिज़ाइनर्स के क्रिएशंस इनके इनको इनके ऊपर सजाए हैं। जी जी जी, हमने मल्टी डिज़ाइनर का यूज़ किया। तो फर्स्ट लुक थी वो हैंगर बैंगलोर की थी, और द करंट लुक है दैट इज़ फ्रॉम दिल्ली बेस्ड डिज़ाइनर विच इज़ चिराग मक्कर, कुदरत कतौर ब्रांड है उनका, एंड बहुत ही पॉपुलर है अपने यूनिक स्टाइल के लिए, यूनिक कलेक्शन के लिए, एंड वो जस्टिफाई कर रहे हैं, एंड वेल कस्टमाइज है शहजादा की पर्सनैलिटी को ध्यान में रखते हुए, तो एंड शहजादा उसको पूरा कहते हैं ना 100% निभा रहे हैं उनकी क्रिएशन को। ड्रेसेस का पूरा निचोड़, पूरी ड्रेसेस का निचोड़ निकाल रहा हूँ कि भाई इसमें कोई पिक्चर रह ना जाए, ये बाजू भी उतार दे, ये भी उतार दे, सब उतार दे, सब में फोटो ले ले, तो बहुत मजा आ रहा है। जो हेयर और स्किन चमक रहा है उसके पीछे एक खूबसूरत सा चेहरा है, तो मैं चाहता हूँ आप खुद ही बुलाएं उन्हें। काफी साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में काम करते हुए, तो आई अभी आओ ना, तो आई प्रेज देयर स्पेशली कि शी सो गुड इन मेकअप, एंड मेरे हेयर भी इन्होंने ही किए हैं, सो यू नो बाल भी आए और बाल करने भी आए और मेकअप करने भी आए, तो ये तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है, और मुझे तो कहते हैं ना एक ही पैक में सब कुछ इनमें था, और बहुत इजीली सब कुछ हो गया, और बहुत मज़े से हमने शूट किया है, और आगे भी कर रहे हैं खाना खाने के बाद। इट्स लंच ब्रेक। कैसी इनकी स्किन और हेयर है, और आपने क्या क्या इनको बहुत सारे स्टाइल्स दिए हैं, क्या कुछ किया आपने? श्योर, सो सबसे पहले बताना चाहूँगी कि ही इज़ वेरी फ्लॉलेस, इनको बहुत ज़्यादा मेकअप और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आप देख सकते हैं। तो जो हमने मोहित का जो कंसेप्ट है हमेशा उस चीज़ को हमने हमेशा फॉलो किया, और यू नो जो हमने लुक भी क्रिएट किया है वो लुक में हमने हाई फैशन और जो उनका एक सिग्नेचर लुक है जो कि अभी आप देख सकते हो, वो दोनों हमने क्रिएट किया और आगे और करेंगे। सो इट इज़ अमेजिंग शूटिंग विथ हिम, इज सो हम्बल एंड सो ग्राउंडेड, वेरी नाइस पर्सन यार रियली। आज हमें शहजादा के बारे में पता चली कि इन्हें खुद फोटोग्राफी की बहुत शौक है और इनके पास कैमरेज भी हैं, तो ये शौक हमें नहीं पता, तो बताएं आपके इस हॉबी के बारे में। हाँ, जब मैं छोटा हुआ करता था, अभी भी छोटा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ मैं, ओके बता दे रहा हूँ मैं, मतलब व्हेन आई वाज लाइक अ टीनेजर, तो काफ़ी शौक हुआ करता था कि फोटोग्राफी करें और अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खींचें, अपनी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खींचें। कभी सोचा नहीं था कि कैमरे के पीछे काम करने से कैमरे आगे तक आ जाएंगे, तो आज कैमरे के सामने हो। जी या और आपने चंडीगढ़ से आप पले बड़े हैं, चंडीगढ़ को कितना मिस करते हैं? हाउ ब्यूटीफुल इज द सिटी ऑफ चंडीगढ़? पंजाब मेरा दिल है, और मेरा दिल वहाँ पे है, यहाँ आत्मा है, काम कर रही है, ठीक है, ज़िंदगी जी रहे हैं, पर जब भी चंडीगढ़ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम घर आ गए, वो मेरा घर है। मैं गाऊंगा और मेरी लस्सी हो जाए और दिलजीत कंडे गाड़ा में मेरे गाने का बेड़ा गर्क करता है तू। What is this beauty of पंजाबी लैंग्वेज? मतलब चाहे वारिश शाह हो, चाहे वो एक ब्यूटी होती है पंजाबी भाषा में, तो क्या कहना चाहेंगे इस भाषा के बारे में? पंजाबी भाषा में अपनापन है, एक वो मिठास है। हम पंजाबी जब भी एक तो हम पंजाबी बहुत रिस्पेक्टफुल होते हैं, हम सबको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, राइट, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है, और हम सेवा भाव में बहुत बिलीव करते हैं कि सबकी सेवा करना, और सबसे बड़ा कर्म हमारे लिए होता है कि किसी को पानी पिलाना और खाना खिलाना, तो हमें खाना खिलाना बहुत पसंद होता है, और हमारी भाषा की मिठास यही है कि हम जिसके साथ बात करते हैं उसे अपना बना लेते हैं। और आपके दर्शकों के साथ दियो ऑल द बेस्ट, बहुत मज़ा आया, एंड कीप ऑन रॉकिंग ऑलवेज। की जो तस्वीरें बड़ी खूबसूरत ले रहे हैं एक एक, क्या कहेंगे इफ्तारी के बावजूद ये भूखे पेट आपकी शूटिंग कर रहे हैं? पहले तो ये रोज़ा रख के काम कर रहे हैं भाई, मुझे पाप लगेगा यार कि मैं इतने और मैं ओवर फोटोज़ क्लिक करवा रहा हूँ, और मुझे एंड में बताया गया कि भाई का रोज़ा है, तो अगर मुझे पता होता मैं हाँ बोलता यार कि हाँ हो गया यार 5-7 बहुत है, ठीक है यार अभी वो बेचारा थक जाएगा यू नो, तो वो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुरा लगा, बट काम सबसे बड़ी चीज़ होती है ना हमारी लाइफ में, तो काम करना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे फोटोग्राफर है और बहुत अच्छी अच्छी फोटोज़ क्लिक किए हैं, मुझे नहीं लगता एक भी फोटो गंदी आई है यार। हम अभी बात कर रहे थे हम सब लोग कि हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि हम सिलेक्शन कैसे करेंगे, क्योंकि सारी पिक्चर्स ही अच्छी है, राइट, बट देखते हैं ये सारी फोटोज़ देगा मेरे को एडिट करके। हर एक्टर का एक अलग लुक होता है, अलग अंदाज होता है, तो मतलब हर लोग से हम चाहते हैं कि उसका एक रियल हमें कुछ मिले। तो ये कितने रियल लगे ये इनका लुक, तो मतलब
है ये हैंडसम स्मार्ट, तो इनका लुक वैसा ही आया है खिल के एकदम शहजादा जैसा। सब यही बोल रहे शहजादा जैसे लग रहे हैं ना मोहित। फुल ऑन शहजादा, ये हमारे शहजादा हैं। थैंक्स 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 एंड रियली फन शूटिंग विद हिम, वेरी नाइस। बढ़ते हैं शहजादा धामी के अगले लुक की तरफ जो कि है काफी रॉयल। भाई गोल्डन कलर के इस सूट में शहजादा किसी शहजादे से कम नहीं लग रहे, और ये है लॉन्ग गोल्डन कलर का सूट। और भाई शहजादा की स्टाइलिंग के क्या कहने, वो तो कयामत ढा रहे हैं। शूट के साथ साथ दिखा शहजादा का सिंगिंग टैलेंट भी। समा तो तब बन गया जब शहजादा ने छेड़े सुर। साथ ही शहजादा ने बताया अपने सिंगिंग टैलेंट के बारे में कुछ खास। तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिना मरना नहीं जीना नहीं, तेरे बिन आ आ आ आ प प ग म प सनी सनी सरे म म म म म म म म म ग रे सनी द प म ग प प प प प प प प ग म प सनी सनी सरे म म म म म म म म म ग रे प म ग बवरे पिया लगे न जिया देखो मेरा मन जलता दिया जलता दिया बुझे न पिया बुझे न पिया जलता दिया तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिना मरना नहीं जीना नहीं तेरे बिन आ बस मैं घर पे थोड़ा बहुत गाया करता था और माय चाचू वाज प्लेइंग दैट हारमोनियम। तो एक दिन वो बजा रहे थे तो मैंने ऐसे गुनगुनाया, तो ही वाज लाइक नहीं अरे आना बैठ 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 तू गा तू अच्छा गाता है तू अच्छा गाता है। तो मैंने उनके सामने गाना गाया था, तो तब से मुझे समझ आया कि मैं गा सकता हूँ, तो मुझे उन्होंने गाना सीखने के लिए लगा दिया, तो सीखते सीखते सीख गया। कभी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगा, बिकॉज मेरा सबसे पहला जो एम था दुनिया ज़िंदगी में वो सिंगर बनना ही था। अब देखो कहाँ तक लेके जाता है, एक्टर तो बन गए सिंगर भी बन जाएंगे। आप सबकी दुआएं चाहिए, ऑडियंस जब तक साथ है तब तक आगे बढ़ते रहेंगे। भाई बात करें अगले लुक की, तो इस बार शहजादा ने अपनाया है ज्योमेट्रिक प्रिंट वाला ये शर्ट का लुक जो कि है काफी कैजुअल और कूल। जैसे कि बताया
कि शहजादा बनना चाहते थे सिंगर और अब भी वो काफी अच्छा गुनगुना लेते हैं। पंजाब के रहने वाले हैं, दिलजीत दोसांझ के फैन है। भाई शहजादा ने अमर सिंह चमकीला फिल्म के लिए ऑडिशन भी दिया था लेकिन वो सिलेक्ट ना हो सके। आइए शहजादा से जानते हैं उनके सिंगिंग टैलेंट और पंजाब के बारे में कुछ और खास बातें। पंजाबी फोक दे विच नॉलेज इन्नी है कि मैं जम्मिया पलिया पंजाब च, ते मेरी रगां च खून वो पूरा पंजाब दा। वो कहिंदे ने मैं खादा पंजाब, मैं पीता पंजाब, मैं जिया पंजाब, मैं पिया पंजाब। मेरे रोम रोम च, मेरे अंग अंग च पंजाब वसया, पंजाब दे मिट्टी दा बनया होया। ते मैं जद तक जिउना, जद तक जिउंदा रहूँगा इस धरती ते, तद तक मैं इस धरती दा करजाई रहूँगा क्योंकि इस धरती ने मैनू जन्म दिता। अमर सिंह चमकीला दी गल जो आई है अजकल, उहदे विच एक फिल्म भी आ रही है, दलजीत दोसांझ रोल कर रहे हैं वो। उससे पहले एक वेब सीरीज भी आई थी चमक। तो 80s के लोग अगर जानते हों तो पंजाबी फोक की शुरुआत अमर सिंह चमकीला ने की थी। किस तरह का म्यूज़िक था? आप तो बहुत छोटे, पता नहीं बॉर्न भी हुए थे कि नहीं, तो क्या देखते हैं समझते हैं अमर सिंह चमकीला के बारे में? कुछ ऐसी बातें उनके सुर के बारे में, म्यूज़िक के बारे में बात करना चाहूँगा, उनकी कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में बात नहीं करेंगे। किस तरह का म्यूज़िक था एंड उनका कितना सिग्निफिकेंट रोल है पंजाबी म्यूजिक में? पंजाबी म्यूजिक जे आपां कहा जावे तां पंजाबी फोक नूं जन्म तां मैनूं नहीं पता वी अमर सिंह चमकीला जी ने दित्ता, बट पंजाबी फोक दे विच उन्हां दा बहुत अहम रोल है। मैं सुनिया कि अमर सिंह चमकीला नाम दी एक मूवी आ रही है, तो मैं भी उस मूवी लई ऑडिशन किया सीगा, बट आई थिंक दलजीत दोसांझ हू इज़ प्लेइंग चमकीला इन दैट मूवी, मैनू लगता कि उन्होंने तो वधिया कोई कर नहीं सी सकदा, क्योंकि जो पंजाबी फोक दे उत्ते दलजीत दोसांझ दी अज दी डेट दे विच जो पकड़ है, जो उस साडे पंजाब दे मुंडे ने जिन्ना नां कीता साडे पंजाबी धरती दा, साडे पंजाबी गायकी दा, हर किते वो छाया पिया, हर किते गाँदा है। नज मेले हो गए सजना, हो लगे गम भी दिते हरा, मेरे चित नू कंबनी छिड़ गई, तेनू देखिया जदों जरा, हो सानू सारा ही जग वेखदा, हां मेरे हानिया, हो सानू सारा ही जग वेखदा, ओ तेरा किदा हाथ फड़ा। तो भाई हमें इंतजार रहेगा कि जल्द ही शहजादा धामी टीवी पर करे धमाकेदार रोल से वापसी और यूं ही अलग अलग अंदाज में अपने फैंस को करते रहें एंटरटेन। उम्मीद है आपको फोटोशूट पसंद आया होगा और आपने ली होंगी शहजादा से फैशन की कुछ खास टिप्स भी। अब हो चला है वक्त शहजादा को बाय बाय कहने का। मुंबई से अमित त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो बजाते हैं आप सबकी जिंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की डफली, लेकर आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें और हाँ, ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। नाम तो आप सब जानते ही है ना, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट।